गुरुवार को उस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया जब टीकमगढ़ थाना कोतवाली टीआई प्रीति भार्गव पीजी कॉलेज पहुंची और कॉलेज के बाहर खड़े युवकों से वहां रुकने की वजह पूछी गई तो उचित वजह न बताने पर उक्त तत्वों को समझाइश दी और आइंदा बिना किसी कारण यहां पर पाए जाने पर कानूनी कार्यवाही की बात भी कही है। मजनुओं को आज थाना टीआई ने समझाइश देकर छोड़ दिया, साथ ही हिदायत भी दी है कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में कोतवाली थाना प्रभारी प्रीति भार्गव द्वारा बताया गया कि काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि पीजी कॉलेज टैगोर हॉल के बाहर असामाजिक तत्व लड़कियों से छेड़खानी की शिकायत आ रही थी, जिसके चलते आज कार्रवाई की गई है। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। आज काफी समय से ये सूचना आ रही थी कि स्कूल कॉलेज के बाहर कुछ असामाजिक तत्व खड़े हो जाते हैं, लड़कियों के बाहर आने जाने वाली लड़कियों पर कमेंट करते हैं, तो ये सूचनाएं कुछ इस तरह से हमें प्राप्त हो रही थी। उन्हीं सूचनाओं की तस्दीक हेतु आज मैं फोर्स से अभियान चलाया गया सभी स्कूल कॉलेज के बाहर, और जो भी संदिग्ध या असामाजिक तत्व हैं उनको चेक किया गया, उनको हिदायत और समझाइश दी गई कि आइंदा यहाँ पर खड़े ना हो। अगर इस तरीके से कोई भी कोई असामाजिक कोई अवैधानिक गतिविधि करते हुए अगर आप आएगा ही तो आपको उनको भी दंडात्मक कार्रवाई। मैम, अधिकांश लड़कियाँ डरती हैं शिकायत करने से, तो आपके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया जाएगा उनको आपका नंबर मिल जाए या वो आपसे हिदायत मिल सके जिससे उनकी। हाँ, थाने का नंबर उनको दिया गया है, 100 डायल के संबंध में भी बताया गया है, और जो महिलाओं के लिए जो महिला हेल्पलाइन का जो नंबर है वो भी उनको बताया गया है, और उनको समझाया गया है कि उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी भी किस तरह की अगर कोई बात होती है तो तत्काल हमें सूचित करें, पुलिस सदैव उनकी मदद के लिए हमेशा खड़ी है। क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? हाँ, ये कार्रवाई तो आगे भी जारी रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।